नंबर 228, बीजेपी का नंबर 235-40 के करीब जाता हुआ, लेकिन काउंटिंग इस समय काफी धीरे चल रही है ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि अभी तक सिर्फ 35 से 40% वोट्स ही काउंट हुए हैं, यानी अधिकतर वोट अभी बाकी हैं, यानी पूरी पिक्चर अभी थोड़ा समय लगेगा क्लियर होते हुए, यानी किसका एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, यानी एनडीए का 300 पार जाता है, इंडिया का 230 225 को के क्रॉस करता है, वो देखने वाली बात होगी। तो इंटरेस्टिंग हो गया है ये इतना तय है कि ये नंबर वो बिल्कुल नहीं है जैसा सुबह लोगों ने सोचे थे कि खुलेंगे। ये बिल्कुल तय है कि एक अंडर करंट जो है वो करंट के झटके दे रहा है कई लोगों को, अंडर करंट साफ दिख रहा है। ये 226 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है बाकी सारे आकलनों से अलग। हालांकि इंडिया गठबंधन ने 295 का आंकड़ा दिया था, लेकिन 295 का आंकड़ा इतना भी हवा हवाई नहीं था अगर 226 आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल किशोर, 226 का आंकड़ा है, और जो स्विंग स्टेट रही इंडिया अलायंस के लिए वो उत्तर प्रदेश रही, वो महाराष्ट्र रही, वो बंगाल रही, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नुकसानदायक स्टेट रही, मैं फिर कहता हूं राजस्थान में आपका डिबैकल हुआ है, एक हरियाणा में काफी नुकसान, हरियाणा में नुकसान, उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है नुकसान के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी को जो मेजर नुकसान हुआ वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अमेठी में स्मृति ईरानी अपना चुनाव हार रही है, अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार रहे हैं, ऐसे चार मंत्री हैं जो अपना चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा गुरुग्राम जैसी मजबूत सीट बीजेपी हार रही है, राजबब्बर वहां आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। लेकिन अगर हरियाणा में अप्रत्याशित एक तरह से प्रज्वल रवन्ना अपना चुनाव हार गए हैं, हासन से प्रज्वल रवन्ना हार रहे हैं। और याद रखिए प्रज्वल रवन्ना का जो केस आया था वो वोटिंग डलने के बाद आया था, तो वो उसका ज्यादा असर नहीं है। ये कर्नाटक में सुबह जो अच्छी लीड दिख रही थी बीजेपी की वो भी अब उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हालांकि अभी भी बीजेपी की सीटें ज्यादा दिख रही हैं वहां पर, 28 में 18 बीजेपी। लेकिन बिहार में स्वीप है एनडीए का, इसमें कोई दोराय नहीं है, बिहार में स्वीप है, मध्य प्रदेश में स्वीप है। इसके अलावा एक बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में है, दिल्ली में एक बार फिर सातों में से सातों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन बंगाल में वो नहीं हो पाया। लेकिन खेल हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव ने बीजेपी का किला हिला दिया है, अकेले अपने बूते अखिलेश यादव ने बीजेपी के किले पे, और जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर जो सवाल उठ रहे थे, उस जोड़ी ने जो पहले फेल हुई थी जोड़ी, उस जोड़ी ने ये करके दिखाया है आज जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। क्या लगता है नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम ऑफर हो गया है, जाएंगे उस तरफ, ऐसी खबरें हैं। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, तो सीधा रुख करता हूं राजीव रंजन का। राजीव रंजन, क्या लगता है, सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं कि सोनिया गांधी डायरेक्ट संपर्क में है टीडीपी के भी और साथ ही साथ जेडीयू के भी और डिप्टी पीएम ऑफर करने की बात है नीतीश कुमार को। देखिए, मैं कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर मैं देख रहा हूं, नीतीश कुमार जी का फैसला अटल है, पहले क्या हुआ उसका जवाब उन्होंने दे दिया है, और निसंदेह बिहार की जनता ने उनकी स्वीकार्यता पर एक बार फिर आशीर्वाद की मुहर लगा दी है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, ये जनादेश असाधारण है। असाधारण इसलिए है कि 400 सीटों का लक्ष्य, ठीक है हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बातें रखती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल उनका ऊंचा रहे, एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सब जगह बना रहे, इनकी इसके लिए ये लक्ष्य जरूर था। लेकिन ये सच है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार को तीसरी पारी जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे जी। और निसंदेह दो निहितार्थ बिल्कुल साफ, आपको कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार जी की जो अपरिहार्यता है, आपको कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन यही कह रहा है कि अब ये सरकार नहीं रहने वाली है, शाम तक देखिएगा वो किस आधार पर। इस्तीफा भी मांग लिया प्रधानमंत्री मोदी का। राजकुमार भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। राजकुमार भाटी जी, शुभकामनाएं, बधाई। अभी तक की काउंटिंग के अनुसार, रुझानों के अनुसार, सपा ने बीजेपी के किले को हराया है, को हिलाया है। हम आप तक माइक पहुंचाते हैं फिर आपके पास आएंगे। लेकिन संजय गुप्ता है शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के, तो उद्धव ठाकरे गुट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, महाराष्ट्र ने भी बीजेपी के किले को हिलाया है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, राजनीति भावनाओं से चलती है और कागज पत्रों से नहीं चलती। इस बात को प्रमाणित
ना सिर्फ हमारे दल ने किया है बल्कि चिराग पासवान की पार्टी ने भी किया और शरद पवार जी की पार्टी ने भी किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पुराने साथी आपके साथ को छोड़कर चले गए तो आप उनकी पार्टी को तोड़ देंगे या उनको बर्बाद करने के लिए अपनी ताकत लगा देंगे। आज अभी ये 294 आप NDA गठबंधन की सीटें दिखा रहे हैं मगर BJP सिर्फ 234 सीट पर, 237 सीट पर या 238 सीट पर लीड कर रही है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर BJP की 270 सीटें भी आई तो नीतीश कुमार जी के विषय में जो ये कहा जा रहा है कि उनका फैसला अटल है कि वो इसी गठबंधन में रहेंगे, तो नीतीश कुमार जी ने तो ये भी कहा था कि मर जाएंगे मगर BJP में दोबारा नहीं जाएंगे BJP के साथ। तो अगर इस देश के अंदर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी रही जिसने कभी भी सीटों के हिसाब से अपने साथी नहीं बदले, कभी भी आंकड़ों का मूल्यांकन अपने साथियों का मूल्यांकन आंकड़ों के हिसाब से नहीं किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक शिवसेना और ठाकरे परिवार ही रहा है। इसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने नंबरों के आधार पर अपनी सरकारों को बनाने के लिए और सरकारों में जाने के लिए इधर से उधर गए हैं। तो अपने सही साथियों को अपने साथ रखना ये बहुत जरूरी है, उनकी भावनाओं का आदर करना ये बहुत जरूरी है क्योंकि राजनीति भावनाओं से चलती है। जी हमारे साथ राजीव रंजन भी है। तो राजीव रंजन जी, तो वो कह रहे हैं नीतीश बाबू का तो भरोसा नहीं है, वो बदल भी सकते हैं आप पाला। अब देखिए सवाल है कि अब शिवसेना अगर ये बात कहती है तो हैरानी होती है, इसलिए शिवसेना का तो एक जाचा परखा अलायंस था और NDA की जो स्थापना हुई उसमें जो चार जो दल थे उन दलों में एक शिवसेना भी थी। शिवसेना का एक बार BJP से अलग होना, फिर BJP के साथ जुड़ना और फिर BJP से अलग हो करके आज, लेकिन इन बातों का बहुत मतलब नहीं है। आज व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का दिन नहीं है, ये जनादेश के सम्मान का दिन है। और मैं मानता हूँ कि तीसरी पारी नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर और जो गठबंधन को लेकर एक सोची समझी एक सुविचारित रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उन्हें ये पता था कि कहाँ कहाँ वो कमजोर है। बिहार को उन्होंने चिन्हित किया, आंध्र प्रदेश को चिन्हित किया, महाराष्ट्र को लेकर के जो एक बड़ी रणनीतिक सफलता है, चाहे उसके अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं निकले हो, लेकिन जो भी इजाफा हुआ है वो निसंदेह उसमें उसकी भूमिका है। जी हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश में BJP का नंबर 36-37 होता हुआ 39-40 के बीच में इंडिया अलायंस होता हुआ, इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में। लेकिन बिहार के अंदर BJP की 12, JDU की 15 और चिराग पासवान 4 सीटों पर आगे इस समय चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। RJD के पास 4, कांग्रेस के पास 1, यानी बिहार के अंदर BJP ने NDA ने अपने किले को बचाया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उत्तर प्रदेश ने लेट डाउन किया है भारतीय जनता पार्टी और NDA को, वहां पर एक बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर भी बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि अगर हम एक तरह से देखें तो कांग्रेस महाराष्ट्र में BJP से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। और जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है तो उनके पास 10 है, शिंदे के पास 6 है, BJP के पास 11 सीटें हैं 48 में से। ये बाइफर्केशन हम आपको स्टेट वाइज सीट वाइज दिखा रहे हैं, यानी किस पॉलिटिकल पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब बाजी जो है वो 34-35 की, BJP ने अपना नंबर एक आध बढ़ाया है, लेकिन 41 पर इंडिया अलायंस है, 35+6 और अन्य के खाते में 2 जा रहे हैं और RLD की भी इसमें 2 सीटें शामिल है, ये देखने वाली बात होगी। RLD की भी 2 सीटें इसमें शामिल है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लगभग 25-30 सीटें वहां से जो कम हुई है उसी का खामियाजा BJP भुगत रही है। सेंटर में उसको अपने बलबूते मेजोरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन तीसरी टर्म मोदी को मिल रही है 295 सीटों के साथ। NDA सबसे ऊपर है, BJP सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है लगभग कि जब किसी कांग्रेस के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी को तीसरा मैंडेट मिल रहा है और वो भी इतनी बंपर सीटों के साथ, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसके अलावा आंध्र में BJP की सरकार है, NDA की सरकार है, ओडिशा में BJP सरकार में आ रही है और बंपर जीत की तरफ जा रही है। राजकुमार भाटी है, राजकुमार भाटी, उत्तर प्रदेश में आपने BJP को रोक दिया और उसी के कारण BJP के पास मेजोरिटी नहीं है। नहीं, मुझे जो पूरा विश्वास है जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी उसके आधार पर और आज भी जो हमें रिपोर्ट मिल रही है कि कई सीटें ऐसी हैं, लगभग 10 सीटें
जिनमें अभी मार्जिन बहुत कम है जो बीजेपी की तरफ गिनी जा रही है। तो हमें विश्वास है कि हम 50 तक, बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं जो मार्जिन कम वाली है। बीजेपी के पास 16 सीटें, आपके पास 10 है, तो बीजेपी के पास ऐसी 16 सीटें हैं। हाँ, तो हमें उम्मीद ये है कि हम अभी और बढ़ेंगे, लेकिन मैं हमें ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो ये उत्तर प्रदेश में लोगों का समर्थन मिला है वो हमारे नेता की मेहनत और नीतियाँ और नेतृत्व और जो हमने मुद्दे उठाए चुनाव में, हमने कोई आलतू फालतू के मुद्दे, लोगों को बहकाने वाले हवा हवाई बातें कोई नहीं उठाई। जो जेन्युइन मुद्दे थे, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेटियों की सुरक्षा, किसानों की MSP, इन तमाम मुद्दों पर जनता ने हमें समर्थन दिया। तो हमें इस बात की खुशी है कि जनता हिंदू मुस्लिम के जाल से निकलकर, सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति से निकलकर, जेन्युइन मुद्दों के आधार पर, विकास के मुद्दे के आधार पर और जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है उन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है। इस ये एक अच्छा संकेत पूरे देश के लिए है जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से अपना चुनाव जीत गए हैं, ये बड़ी खबर है। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी और NDA ने अपने किले को जरूर जरूर बचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं और अब इस समय NDA 295, इंडिया 228, प्रेम शुक्ला है। प्रेम शुक्ला, अब तो एक बज गए, एक से ज्यादा समय हो गया, उत्तर प्रदेश की कहानी तो फिसलती हुई दिख रही है और बीजेपी के पास अपने बूते मैंडेट नहीं है और नीतीश कुमार को डिप्टी PM का पद ऑफर कर दिया है कांग्रेस ने, ऐसी खबरें आ रही हैं सोर्सेस।